नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन चौहान है और आई होप यू विल वेल। आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में और ओआई डेटा के बारे में, यानी कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में। आज आप सीखेंगे कि किस तरह से मार्केट खुलने के तुरंत बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जो है कॉल की तरफ जाने वाला है या पुट की तरफ जाने वाला है। ओके, आप मार्केट खुलते ही कैसे ये पता लगा सकते हैं, राइट स्ट्राइक प्राइस पे किस तरह से ये एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कॉल खरीदना चाहिए या पुट खरीदना चाहिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजफुल कंटेंट जो है इस चैनल पर आपको लगातार मिलने वाले हैं। और हमने एक पूरी सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे एक एडवांस लेवल पे ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं और उसे फुल टाइम करियर लेके चल सकते हैं। अगर आप इसे सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी नॉलेज जो है शुरू से एंड तक आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन जो है इसका मतलब ये है कि चेन किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल, 17,000 पे अभी निफ्टी चल रहा है, तो 17,050, 17,100, 17,200 इस तरह से जो स्ट्राइक प्राइस आप देखते होंगे तो इसे कहा जाता है ऑप्शन चेन। ओके, और ओआई डेटा जो है उसका मैंने जैसे कि आपको बात किया ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट किसे कहा जाता है, ओपन इंटरेस्ट यानी कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे या किसी भी कॉल या पुट साइड कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हाल में फिलहाल में ओपन हैं। ओके, उसको 4% में नापा जाता है कि इतने परसेंट जो है अभी यहाँ पे कॉल जो है राइटर अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं और इतने परसेंट यहाँ पे पुट राइटर अवेलेबल है, तो इसे कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट। तो इसे हो सकता है वीडियो यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगे, लेकिन मैं अभी आपको लाइव मोबाइल स्क्रीन पे ले जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आपको सारी कन्फ्यूजन जो क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में भी सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, तो चलिए बिना इसके मैं आपको जो है मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दे देना चाहता हूँ। वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा फंडबीज के बारे में बात करूंगा। फंडबीज जो कि आप जो हमारे पुराने व्यूअर हैं उन सबको पता है कि हमारा इकलौता इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके जुड़ना चाहते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न हम आपको पर मंथ फिक्स रिटर्न देते हैं। अभी कैसे देते हैं, क्या होता है, किस तरह से मिलता है, इसके लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जाकर के चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा और आपको सारी नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप फंडबीज के साथ इन्वेस्टमेंट करके जुड़ना चाहते हैं। इसके वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ सेंसिबल एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे। सेंसिबल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर से जाकर के सेंसिबल सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे फीचर्स हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी रिव्यू करा था तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन और ओआई डेटा के बारे में बात करूंगा। यहाँ आप जो है ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ऑप्शन चेन और ओआई डेटा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के। ओके, तो यहाँ पे देखिए एनालाइज का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ओके, और आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन चेन, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक, ओआई, ये सारी चीजें यहाँ आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे इसे ज्यादा डिटेल में यूज करने के लिए आपको इसका पेड वर्जन भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ्री कैसे इसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन चेन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे निफ्टी जो है वो ओपन हो जाएगा। ये नहीं ओपन होता तो यहाँ पे आपको इसे सर्च कर लेना है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ तक ओके है। ओके, यहाँ पे जो है यहाँ पे LTPP ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, तो यहाँ पे आपको जो है इसे OI, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट OI जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये OI के ऊपर आपको रेफर कर देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन आपको देखिए क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन के बारे में। तो देखिए ये जो है स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 17,800 पे अभी स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे निफ्टी है, 17,750, 17,700, 17,650, ये जो सारी स्ट्राइक प्राइस है, ये नीचे की स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस हम देखेंगे तो 17,850, 17,900, 17,950, ये सारी स्ट्राइक प्राइस जो ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस हैं। ओके, तो इसे ही कहते हैं ऑप्शन चेन। ओके, आपको समझ आ गया, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, इसी को हम ऑप्शन चेन के नाम से भी जानते हैं। अभी दूसरी बात ओपन इंटरेस्ट के बारे में, हमें यहाँ पे ध्यान क्या चीज को रखना है। सबसे पहले जब भी मार्केट ओपन होता है, देखिए जब भी मार्केट ओपन होगा तो आपकी सिचुएशन कुछ अलग होगी और मेरी सिचुएशन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे अभी निफ्टी जो चल रहा है वो 17,798 पे चल रहा है और यहाँ पे हमें 17,800 का जो है स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जब ट्रेड करें तो आपको कुछ और स्ट्राइक प्राइस जो है दिखाई दे, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। जो भी स्ट्राइक प्राइस जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ही आपको दिखा देगा।
सिलेक्ट करके। तो इससे आपको जो है 300 पॉइंट या 400 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे जो है देखना है, और चीजें आपको नहीं देखनी है। ओके, वहां पे सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते कॉल ओआई चेंज और यहाँ पे पुट ओआई चेंज। ये जो पुट की साइड है आप सबको पता है कि ये जो है हमारा सपोर्ट एरिया होता है, और जो कॉल साइड होती है वो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस कॉल पुट ये सारी चीज के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए कि सपोर्ट किस तरह से हम फाइंड करें, रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो हमें बताने की कोशिश करूंगा, तो खासकर बिगिनर्स के लिए होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 40% में 849.5% और यहाँ पे आपको 47.9% दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये इसका मतलब ये है कि पुट साइड अभी सबसे ज्यादा ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 800 या 849 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड में है 47। ओके, तो आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किस तरफ है, तो आप बताएंगे कि भाई ऑब्वियसली बात है कि पुट साइड ज्यादा है और कॉल साइड कम है, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाना जा सकता है इस ओआई के मतलब से। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है वो जो है यहाँ से कॉल की साइड जाएगा, जिस तरफ कम होगा उस तरफ जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैं आपको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करूं। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, 17,800 पर सपोर्ट लेगा, और मार्केट जो है ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा, ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर सकता है। ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा तो किस तरफ जाएगा, आप समझ सकते हैं 17,800 है तो 17,850 की ओर जाएगा, 17,900 की तरफ जाएगा, 17,950 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीजें होगी, जब ऊपर जाएगा तो वहां पे उस स्ट्राइक प्राइस पे कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो आई खड़ा हुआ है वहां पे वो अपना रेजिस्टेंस बनाएगा, और उसके बाद वापस से नीचे आएगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 849 यहाँ पे जो है इसका जो है ज्यादा पुट साइड ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे कॉल साइड कम ओपन इंटरेस्ट है, तो मार्केट जो है वो ऊपर की साइड गया होना चाहिए, हम ये पता लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ एंजल वन में, और आपको दिखाता हूँ कि मार्केट क्या सच में ऊपर की साइड गया है या फिर नीचे की साइड गया है। ओके, तो चलिए चलते हैं एंजल वन में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने एंजल वन एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में हैं। एप्लीकेशन यूज करने का मेरा और कोई मोटिव नहीं है एंजल वन को, ये मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप कोई भी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, जरूरत है आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली एंजल वन अच्छा लगता है इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको ये मेरा वॉच लिस्ट है, लेकिन हमें तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे निफ्टी के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो इंडेक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निफ्टी को देख रहे हैं क्योंकि हमने निफ्टी का जो है ओपन इंटरेस्ट देखा था। ओके, तो ये निफ्टी के चार्ट पे हम क्लिक करते हैं। ओके, और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट, देखिए आप यहाँ पे ऊपर की साइड गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कितना ऊपर की साइड गया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको दो इंडिकेटर भी बताए थे, उसकी मदद से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं कि सिग्नल भी दे रहे हैं ऊपर की ओर, इसने भी, RSI ने भी दिया, MACD ने भी दिया, और ये जो विवर हमारे EM है और सुपर ट्रेंड जो है वो भी अप की ट्रेंड में, आप देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से कितना अप गया हुआ है आप देख सकते हैं। ओके, कितना अप गया हुआ आप देख सकते हैं, कितना अप गया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप जो है अपने ट्रेड को फाइन कर सकते हैं और अपनी राइट टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। मैं बेसिकली जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, निफ्टी में भी करता हूं, तो आप जितनी जिसकी भी स्ट्राइक प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स की स्ट्राइक प्राइस भी अगर आपको देखनी है तो वो भी आप ओआई की मदद से वहां पे देख सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स पे मैं जाता हूँ, मेरा आज का प्रॉफिट भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो 1,26,891 के आसपास है, जो मैंने बैंक निफ्टी में करा था इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। तो अगर मेरा प्रॉफिट बना है तो अगर आप भी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रॉफिट जरूर बनेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आई होप गाइस आप सबको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप ऑप्शन चेन और ओआई डेटा की मदद से आप आसानी से मार्केट के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं और एक राइट स्ट्राइक प्राइस पे आपको मालूम चल सकता है कि अभी आपको कौन सी डायरेक्शन में अपनी एंट्री बनानी चाहिए, आपको कॉल खरीदना चाहिए या फिर पुट खरीदना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उससे लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उन सब लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए रुचि है। ओके, अभी बात करते हैं थोड़ा फंडबीज के बारे में। तो फंडबीज जो है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपको 10% फिक्स मंथली ROI प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से हमारे साथ जुड़ना है, उसके लिए ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, जाकर के देख लीजिएगा। छोटा सा अपडेट ये था कि अगर आप फंडबीज में डेली विड्रॉ कर ही सकते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को
विड्रो जब आप करते हैं तो विड्रो रिक्वेस्ट आने में शाम तक का समय लग जाता है। वैसे तो हमने बता ही रखा है कि आपको विड्रो रिक्वेस्ट डालने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है रिक्वेस्ट आपका मिलेगा। ओके, लेकिन सैटरडे संडे को जो है बैंक बंद होते हैं और हमारा ट्रांजेक्शन जो है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि काफी सारे लोग एक साथ डेली विड्रो करते हैं, कुछ लोग डिपोजिट कर रहे हैं। और सैटरडे संडे को आप सभी जानते हैं कि बैंक्स जो है वो बंद होते हैं, उनका सर्वर जो है कभी कभी थोड़ा डाउन होता है, तो हमें जो है ट्रांजेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये उन्हीं के साथ होता है जो एक दिन के बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होता जो एक दिन के 2 या 4-5 ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि हमें एक दिन के बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं, तो सैटरडे और संडे को जब आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आपको शाम तक का थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, शाम तक आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस ये छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था। बाकी सब ऑल ऑफ द बेस्ट है। फंडविज जो है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से एक बार फिर से थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।